अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। IMF की हालिया रिपोर्ट जिसमें ये कहा गया है कि बांग्लादेश इंडिया को बीट कर गया है इकोनॉमी के फ्रंट पे, इसके बाद राहुल गांधी जो कि कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं और इंडिया के अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने शदीद क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया था अपनी हुकूमत को कि अब ये दिन आ गए हैं कि कभी हम बांग्लादेश से 40% आगे थे मईशत में, लेकिन आज बांग्लादेश हमसे आगे है। इसके साथ ही कई मीडिया के एनालिस्ट ने अपनी हुकूमत को ये कहकर भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया है कि जिस बांग्लादेश को इंडिया की हुकूमत के मिनिस्टर दीमक घुसबैठिए और नामालूम क्या क्या कहते रहते थे, वो आज इंडिया से आगे निकल चुके हैं। राहुल गांधी के इस तनकीद के बाद इंडियन BJP के समर्थक अपनी पार्टी की फेवर में मैदान में आ चुके हैं और बांग्लादेश के इस ज़बरदस्त कारनामे को उन्होंने ये कहकर डिग्रेड करना शुरू कर दिया है कि परचेजिंग पावर के हिसाब से इंडिया की GDP बांग्लादेश से 11 गुना ज़्यादा थी 2019 में। इसके अलावा इंडियन ब्यूरोक्रेसी ने यह भी कहना शुरू कर दिया है, खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश की है उन्होंने कि हमारी जो पर कैपिटा GDP है वो $6,284 जबकि बांग्लादेश की जो पर कैपिटा GDP है वो $5,139 है। जबकि उनका यह भी कहना है कि अगर हमारी GDP इस साल कम है तो क्या हुआ। IMF की रिपोर्ट ये भी तो कहती है कि 2021 में यानी अगले ही साल हमारी GDP 8.8% और बांग्लादेश की 4.4% होगी, लिहाजा ये फैक्ट भी आवाम को बताया जाए कि असल में ये जो गिरावट आई है ये टेम्पररी है। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, अगर आप प्रोजेक्शन की बुनियाद पे इंडिया की डूबती हुई इकोनॉमी को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो ज़रा ये बताएं कि इस साल जब पहली प्रोजेक्शन आई थी IMF की तो उसमें तो इंडियन इकोनॉमी को 4.4% के हिसाब से गिरना था, यानी पहले IMF ने ये प्रोजेक्शन की थी कि इंडिया की इकोनॉमी 4.4% से गिरेगी, ये शुरू की प्रोजेक्शन थी, लेकिन असल में कितनी गिरी है वो जब साल ख़त्म हुआ है और रियल फिगर्स आउट हुई हैं IMF की जानिब से तो उसमें 4.4 नहीं 10.3% से गिरावट रिकॉर्ड हुई है। लिहाजा आप फिर अगले साल की 8.8 वाली जो प्रोजेक्शन है उसको इतना सीरियस कैसे ले सकते हैं असल फिगर्स को इग्नोर करके, क्योंकि ये महज प्रोजेक्शन है और प्रोजेक्शन ऊपर नीचे होती रहती है। 8.8% की GDP की जगह 0% भी हो सकती है और +10% भी हो सकती है, जबकि पिछली प्रोजेक्शन को अगर आप देखें तो नतीजा ये निकल रहा है कि इकोनॉमी का ग्राफ मुसलसल नीचे जा रहा है, -10.3 से +8.8 तक एक साल में आना। आखिर ऐसा कौन सा मंसूबा हुकूमत ने शुरू किया हुआ है इंडिया की कि इतना बड़ा बदलाव आ जाना है एक साल में GDP के अंदर। आखिरी बार 8.8% की जो GDP है वो इंडिया ने कब हासिल की थी, क्या आप जानते हैं कि लॉकडाउन से पहले भी इंडियन GDP 4% से भी नीचे आई हुई थी। आखिर 8.8% की फिगर रियलिस्टिक कैसे हो सकती है 2021 में। राहुल गांधी साहब का यह भी कहना था कि सॉलिड अचीवमेंट ऑफ 6 years ऑफ BJP हेल्ड फील्ड कल्चरल नेशनलिज्म बांग्लादेश सेट टू ओवरटेक इंडिया। यहाँ ये भी याद रहे कि इसी साल अप्रैल से जून तक की जो फिगर्स थी उसके मुताबिक इंडियन GDP -23.9% से गिरी है और 1996 के बाद सबसे बदतरीन फिगर्स थी ये। इस वक्त हो ये रहा है कि BJP IMF की रिपोर्ट्स से जो साइडलाइन वाली कम अहमियत की हामिल फिगर्स हैं उनको हाईलाइट करके दिखा रहे हैं और उनको कोट करके कांग्रेस पार्टी के इन हमलों का जवाब दे रहे हैं जो कि कांग्रेस पार्टी ने BJP पे जारी रखे हुए हैं जब से IMF की ये रिपोर्ट रिलीज हुई है। हुआ ये है कि जैसे ही IMF ने रिपोर्ट जारी की है इंडिया की GDP की फिगर्स बांग्लादेश से ख़राब हैं जिसमें ये बताया गया है, तो एक तरह का तूफान मच गया है BJP के लिए इंडिया के अंदर। अब ये जो परसेप्शन है जिसको BJP की जानिब से अवाम में बेचा जा रहा है कि 2021 में इंडिया की GDP 8.8% होगी और बांग्लादेश की GDP 4.4% होगी, ये महज टाइम गेन करने की एक टैक्टिक है और अवामी रद्द अमल का ये जो भंवर है इससे निकलने की BJP की एक कोशिश है। इसकी वजह क्या है, देखें इस वक्त अक्टूबर आधा ख़त्म हो चुका है और 2 महीने बाद 2021 भी आ जाएगा।
ऐसे टाइम में जबकि कोविड की वैक्सीन का कुछ अता पता नहीं है कि कब बनेगी और इंडिया दुनिया में दूसरे नंबर पर आ चुका है अब नंबर ऑफ केसेस के हिसाब से, और इंडिया का कर्व अभी जाकर कुछ फ्लैट होना शुरू हुआ है, अभी तक भी मुकम्मल तौर पर फ्लैट नहीं हुआ है, यानी कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं अभी तक भी। और इस पहले हमले के बाद सेकंड वेव आनी है, हर मुल्क में जहां पर कोविड के केसेस बढ़े हुए हैं वहां पर सेकंड वेव भी आई हुई है जो कि मोस्ट प्रोबेबली अगले साल ही आएगी इंडिया के अंदर। इस वेव पर काबू पाने के लिए बाकी मुल्कों की तरह इंडिया को भी फिर से लॉकडाउन करना पड़ेगा बहुत सारे इलाकों में, वरना ये बीमारी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो ज़रा ये बताएं कि इन हालात को देखकर आखिर किस बुनियाद पर कहा जा रहा है कि 8.8% से ही इंडियन GDP 2021 में बढ़ेगी, आखिर इस फैक्टर को क्यों नहीं कंसीडर किया जा रहा और IMF ने इस फैक्टर को क्यों नहीं कंसीडर किया, सवाल ये पैदा होता है। ये तो यूं महसूस हो रहा है कि IMF ने महज हिस्टोरिकल जो नंबर्स हैं उनको देखते हुए प्रोजेक्शन की है। IMF ने जब पहली बार 2020 की प्रेडिक्शन की थी तब इंडिया में कोविड के इतने केसेस नहीं थे, उसके बावजूद भी उन्होंने 4.4% के हिसाब से GDP गिरने का अंदाजा लगाया था जो कि एंड में 10.3% भी आई है, यानी IMF के अंदाजे से डबल से भी ज्यादा गिरी है। लिहाजा कोविड के सेकंड वेव से पहले और उसकी फर्स्ट वेव की पीक आने से पहले IMF की ये जो प्रेडिक्शन है 8.8% वाली, इसको इतना उछाला क्यों जा रहा है और इसको इतना सीरियस क्यों लिया जा रहा है, बजाय इसके कि जो असली फिगर्स हैं, यानी असली फिगर जो ये है कि 10.3% से इंडियन इकोनॉमी गिरी है, इस पे बात नहीं की जा रही BJP की जानिब से, और एक हाइपोथेटिकल जो सिनारियो है उस पे बात की जा रही है। असली जो 2020 की फिगर्स हैं उनके मुताबिक बांग्लादेश इंडिया से बहुत आगे है, ये हकीकत है। इनफैक्ट IMF की ही रिपोर्ट ये कह रही है कि दुनिया की जो बड़ी इकोनॉमीज हैं उसमें इंडिया थर्ड वर्स्ट परफॉर्मिंग मुल्क रहा है 2020 में। लिहाजा पॉइंट ये है कि जो रिजल्ट आए हैं उन पे BJP को जवाब देना चाहिए, ना कि मुस्तकबिल की जो प्रेडिक्शंस हैं उन पे बात करके BJP अपनी बुरी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को छुपाने की कोशिश करे। इस बात का भी BJP कोई जवाब नहीं दे रही कि 5 साल पहले तक इंडिया बांग्लादेश से 40% बड़ी इकोनॉमी था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज बांग्लादेश नंबर्स के हिसाब से इंडिया से बड़ी इकोनॉमी है, यानी उसकी जो GDP है वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है। गुज़िश्ता 5 साल में बांग्लादेश ने 9.1% के हिसाब से ग्रो किया है जो कि बहुत बड़ा नंबर है, जबकि इंडिया ने सिर्फ 3.2% से ग्रो किया है। इसका मतलब है बांग्लादेश इंडिया से 3 गुना ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दिखाता जा रहा है गुज़िश्ता 5 साल में। इन 5 साल में बांग्लादेश में सबसे अहम मुद्दा इकोनॉमी ही रहा है, वहां की हुकूमत, वहां की अपोजिशन, वहां के लोग इसी पे बात करते रहे हैं, जबकि इंडिया में सबसे अहम मुद्दा कौन सा रहा है, लव जिहाद, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक और पाकिस्तान को ख़त्म करना है, POK पे इंडिया का कब्जा करना है, ये सबसे अहम मुद्दे रहे हैं वहाँ पर। लिहाजा इंडिया की जो सीरियस हल्के हैं उनको सोचना पड़ेगा कि इस किस्म की अंदरूनी वियर एंड टीयर के साथ क्या इंडियन इकोनॉमी अपने रिक्वायर्ड टारगेट हासिल कर सकती है। अगर इंडिया की इकोनॉमी को फिर से वहाँ पर लाना है जहाँ पर मनमोहन सिंह छोड़ के गए थे, जो कांग्रेस के सदर थे और एक बेहतरीन इकोनॉमिस्ट थे, तो अगर वहाँ पर लाना है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि इंडिया के अंदर पहले जो अंदरूनी झगड़े हैं, फसादात हैं, इन पे काबू पाया जाए और मुआशरे में ये जो डिवीज़न पैदा करके रखी गई है इसको ख़त्म किया जाए। लेकिन मसला ये कि इन डिवीजन्स को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है कि अब इनका ख़त्म करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी दूसरी हुकूमत जो आएगी उसके लिए।